बहुत बहुत मुबारक मिर्ज़ा जी, आप छुशुक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए और प्यार से लोग आपको अंबानी भी कहते हैं। और हम ये पूछना चाहेंगे, आपको उम्मीद थी, पूरी पूरी उम्मीद थी आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को जीत के निकलेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। यही चीज़ मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी बताया था इससे पहले जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने वाला था उससे पहले भी मैंने बताया। मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट हमारे छुछोत से जो है 6-7 खड़े थे, लिहाजा मुझे तब भी पूरा उम्मीद था 100% जीत मेरी थी और ठीक मार्जिन के साथ जीतेगा। जितना मेरा होना चाहिए था उस टारगेट पर पहुँच भी गया, इंशाल्लाह आज मेरी जीत भी हो गया। और आने वाले दिनों में छुछोत कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं पूरा दिल व जान लगा के सभी का खदमत करना चाहूँगा और करूँगा और ठीक से मैं काम करूँगा इनके लिए। हाँ, सुनने में भी तो ये आता है कि आप काफ़ी खिदमत करते हैं लोगों के वहाँ पे, तो आगे जो डेवलपमेंट और जो स्ट्रेटजीज रहेंगे उसका क्या क्या आगे आप प्लानिंग कर रहे हैं? स्ट्रेटजी आने वाला छुछोत में इंशाल्लाह देखेंगे। मैं एक नया चेहरा हूँ, नया यूथ हूँ, इंशाल्लाह लोगों ने उम्मीद किया है। अब कौंसल में पहुँचेंगे, लोगों से जानेंगे, सबसे राय लेके मैं इंशाल्लाह हर एक चीज़ में काम में सभी से आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ के मैं सभी हर एक किसी के मैं काम में वाकिफ रखूंगा। जी शुक्रिया, थैंक यू जी। होगा जो मैं एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आया हूं, तो फिर मेरा एक अलग सा वर्कर है, सपोर्टर्स है, लोग है। जब मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया तो उस समय भी मैंने लोगों से पूछ के मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने का मैंने निर्णय लिया। आज भी मैं लोगों को पूछ के ही और जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब से पूछ के, नहीं तो ये मेरा अकेला डिसीजन नहीं होगा, उन सब से पूछ के राय लेके जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे छुछुल कंस्टिट्यूएंसी इन जनरल फायदा हो, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। मेरा पर्सनल डिसीजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। जी, आपके काम को काफी सराहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो आप आगे आपके क्या क्या और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज रहेंगे? मैंने कल जब इलेक्शन में जब मैं उतरा तो उस टाइम पे भी मैंने अपना एज ए इंडिपेंडेंट मैंने मैनिफेस्टो निकला है, तो मैंने जब इलेक्शन पे गया तो मैं खाली पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गया, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पार्टी का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास लकीली मेरे पास लोग है, मेरा लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो पूरा काम को लेके मैं लोगों के बीच किया, तो आज जो उन्होंने वोट दिया है, आज मुझे चुना है, तो लोगों ने काम को देख के वोट किया और कैंडिडेट को देख के वोट किया, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जो मैंने मैनिफेस्टो में जो वादा ही किया वो सब इस 5 साल में मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिंदाबाद श्री सुनाम थारतो, जिंदाबाद श्री सुनाम थारतो, जिंदाबाद।